Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, आ गई हूँ मैं अंजू और मैं नवीन लेके आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो चलिए घर घर बिग बॉस शुरू करते हैं, क्योंकि आज माहौल है बहुत गर्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भड़के हुए हैं सभी लोग। तो चलिए नंबर बताता हूँ, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं, वो नंबर है 9833135523। जल्दी से कीजिए मैसेज वीडियो ऑडियो के जरिए और दिखाइए अपना जोश बिग बॉस 14 की तरफ और अपने कंटेस्टेंट की तरफ। तो शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले नवीन जी से पूछती हूँ कि किसका गर्म गर्म ऑडियो आप सुनाने वाले हो। गर्म गर्म ऑडियो तो बहुत है, सभी है, लेकिन सबसे पहले मैं ना एक अपने एक मित्र है जो कि थोड़े निराश हो गए हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा अंतिम ऑडियो है, और तो उनका ऑडियो सुनते हैं और बाद उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफी है। सर, मेरी आज की टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। आज मैं जो भी बात करता हूँ, आप प्लीज़ उस बात का जो है ना रिप्लाई ज़रूर देना। आपको कितना सही लगा, कितना सहमत है मेरी बात से, प्लीज़ आप थोड़ा रिप्लाई करना ज़रूर, क्योंकि हो सकता आज मेरा इस आइडियो लास्ट हो। क्योंकि आज का शो देखने के बाद मेरा मन उड़ गया देखने के लिए। अभी बिग बॉस देखना भी जो है ना मैं पसंद नहीं कर रहा। आज का जो एपिसोड दिखा, ये जितने भी मीडिया हाउस जितने भी आए थे वहाँ पे, ये वो वही लोग हैं जो रूबीना की तारीफें करके सिर्फ तारीफ दिखा के जो है ना व्यूज़ बढ़ाते हैं अपने। वो पूरे ये सब को देख चुका हूँ मैं, जितने भी यूट्यूब पे ये जितने भी बैठे हुए, कोई भी ये पूरा आज का एपिसोड ही जो है ना रूबीना के नाम पर था। एपिसोड ही क्या, ये पूरा बिग बॉस 14 ही जो है ना रूबीना के नाम पे ही जो है ना बेचा गया, ये बात लग रही है ऐसा। क्योंकि रूबीना इससे पहले भी जो है ना एक धमकी दी थी शो पे, अगर इस बारे में कुछ सलमान खान ने कुछ टोंट मारा या कुछ गलत कहा, मैं शो छोड़ के चले जाता हूँ, ये बात बोली थी रूबीना ने। तो उसी वजह से जो है ना सलमान खान उसकी तारीफ करे या क्या करे या शो का प्रेशर था मालूम नहीं, मगर उस वीकेंड पे उसकी तारीफ हुई थी इस टाइम पे। अब रहा सवाल, रूबीना को जब इतना फेवर मिल रहा, इतना सपोर्ट मिल रहा, तो दूसरे कौन सी उम्मीद पे जो 8 लोग बैठे हुए हैं वहाँ, वो कौन सी उम्मीद पे खेलें यहाँ, जब उसको साफ साफ नज़र आ रहा रूबीना को ट्रॉफी के करीब जब पहुँचा दिए तुम, तो जो 8 लोग बचे हुए उन लोग क्या नाचने के लिए आए या क्या डांस करने के लिए आए? वो टाइम पास करने के लिए तो नहीं आए। अब हर बार बिग बॉस कहीं ना कहीं रूबीना की तारीफें करके जो है ना दिखाया जा रहा, उसकी फैन फॉलोइंग है उसका, वो है रूबीना बोलती सही बोलती रूबीना वो बोलती रूबीना अग्रीड मान लिए, मुश्किल नहीं। 60% रूबीना सही हो सकती, मगर 40% तो भी गलत भी हो सकती ना, मगर उस गलती को दिखा रहा क्यों नहीं, उस गलती को शो क्यों नहीं कर रहे, उस गलती के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही। हर बार कहीं ना कहीं गलती आती है, तो वो इतनी अच्छी से सफाई देती है, इतना अच्छा सा बोलना जानती है वो, उसकी बोलने में कोई भी जो है ना खामोशी बढ़ जाना पड़ता, क्यों वो घुमाती है इंसान को बोलने पे जो है ना घुमाती है, उसका कोई आंसर देना ही नहीं बनता, इंसान भाग जाता, इसको बोले तो भी क्या बोले, उनके पिछले अगले सब बातें जो है ना दूसरी टॉपिक करके छेड़ के वो निकाल के बता देती है, उसका बोलने का बेनिफिट ये हो गया। आज भी कईयों मीडिया वाले जो ना रूबीना के ऊपर एक गलती पे भी कोई बात नहीं किया। तुम भी तो राहुल के ऊपर जो ना टारगेट करके, एजाज को टारगेट करके तुम यहाँ तक पहुँचे बोल के ये कहीं नहीं दिखा। जितनी ये बैक बिचिंग की बात कर रही है, एक मीडिया वाले ने अली से कहा और राहुल से कहा और रूबीना की बैक बिचिंग करती है बोल के ये करते हैं बोल के, तो फिर ये सवाल तो रूबीना की क्यों नहीं पूछेगा? ये पूरे घर की चोगली करती है, घर की पूरी जो है ना बैक बिचिंग करती है रूबीना और उसका हस्बैंड बैठ के, तो फिर उन लोगों क्यों ये क्वेश्चन नहीं उठा सके उसके ऊपर? ये क्यों नहीं बोले कि जब निक्की का क्वेश्चन था तो निक्की की कितनी अच्छी से सफाई दे के निकल गई, राहुल को तो पूरा नीचे ही गिरा दिया। मैं राहुल का फैन हूँ बोल के ये नहीं बता रहा हूँ, मेरे को राहुल अब इस बार तो देखने को यही बस मेरे ये दिल में ये उम्मीद जगी, इस बार जीतना तो सिर्फ राहुल या नहीं तो अली गोनी, ये दोनों में से कोई भी विनर रहना जरूरी है, क्योंकि एक तरफा दिखाया जा रहा है ये सब
सब एक तरफा दिखा जा रहा। आप देखो कितनी हंसी खुशी से नाच रही, क्योंकि वो उसके खिलाफ कोई बोला ही नहीं, रूबीना के सब सपोर्ट में जो है और भी जो है ना उम्मीद जो उसके वो बुलंद हो गए रूबीना के। इतनी तारीफें सुनने के बाद अब टारगेट करा जाता कहीं ना कहीं, सुनने के बाद जो है ना ये सुनने के बाद बाकी जो खेलने वाले है, राहुल हो, अली हो, अर्शी हो, कुछ कोई भी हो, वो एक स्तर पीछे ले लेता सुन के। क्यों अब सब उसकी सहारा बन के जीना पड़ता, अब उसकी हर बात जो है ना टारगेट पे जो है ना उन जो भी टारगेट करना है रूबीना दिल खोल के करती है, क्योंकि उसको अभी पूरी तरह से मालूम पड़ गया है। देखने वाले भी बिकने वाले सब बिके हुए, सब एक ही लाइन में घुसे हुए, रूबीना 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 कब तक चलेगा आखिर। खैर ये छोड़ दो, वो रूबीना ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जब दूसरे इसके साथ आके बदतमीज़ करते हैं तो वो ये बोलती है, बदतमीज़ करती है, बोल के चिल्ला चिल्ला के बोलती है। जब ये कहीं भी बैठ के जो है ना, कहीं भी बैठ के जब कोई भी निकी, फॉर एग्जांपल निकी तंबोली किसी से बदतमीज़ी करी है तो उसको जाके इतनी बोलती क्यों नहीं है, ये बदतमीजी नहीं है इसके लिए, ये तो टीचर्स बनती है तो इसका तो इसका ये भी फर्ज है इसको जाके समझाना। ये तो सामने ऐसा क्वेश्चन आंसर देके चली गई, किसी को समझ में ही नहीं आया निकी की बात, ऐसी बोल के चली गई। और लास्ट फुल लाइन फाइनल बात अली बहुत अच्छा बोला है और राहुल भी अपनी जगह बहुत सही बोला है, ये भले किसी को पसंद आओ ना हो ये दो बहुत सही अच्छे आंसर दिए। और लास्ट ये मेरी बात है, एजाज खान का जो आज बिहेवियर था, जो उनका अंदाज था बोलने का, मुझे तो बिल्कुल 1% भी अच्छा नहीं लगा। बाहर जाके इंसान इतना और कॉन्फिडेंस में आता ये मेरे को नहीं मालूम था, मगर आज उनका और कॉन्फिडेंस ये आज बराबर दिखा मेरे को। एक किसी भी गेम में कॉन्फिडेंट रहना अच्छी बात है, वो चाहे कौन सा भी खेल हो, क्रिकेट हो, वो हो, गेम हो, कुछ भी हो, कॉन्फिडेंट रहना अच्छी बात है, मगर ओवर कॉन्फिडेंट वही गेम में ले डुबोती है इंसान को। ये आज एजाज खान के नज़र अंदर आ रहा था, ये एजाज खान के अंदर नज़र आ रहा था। ये बात सीधे तरीके से भी बोली जाती है, जब तक एजाज खान अपना नज़रिया अपना तरीका बोलने का चेंज नहीं कर सकते तो कुछ फ़ायदा नहीं है अंदर आने का। तुम जहाँ बैठे है वहीं बेहतर है, अंदर आने का कोई मकसद नहीं है आपका। इतना बदतमीजी ऐसा लग रहा था कोई जवाब नहीं, कोई बदतमीजी कर रहा है। भाई बोलने का ढंग भी सीखना पड़ेगा इंसान को बोलने की, बहुत कम से लोगों में सलाहियत में ऊपर वाला बहुत कम लोगों को सलाहियत देता बोलने का, मगर आप तो मैं जो गेम में थे आप बिल्कुल नज़र नहीं आए उस वीडियो का लिंक में। भाई अच्छा हुआ आपके सिर्फ एक ही 2 मिनट मिला, आपको अगर 5 मिनट मिलता तो मैं सच में टीवी बंद करके खामोश बैठ जाता था, इतना इरिटेट कर रहे थे, यानी इतना ओवर कॉन्फिडेंट बात कर रहे थे। कोई क्वेश्चन करा तो डायरेक्ट उसको आंसर दो ना, सीधा सीधा आंसर दो ना, तो तुम्हें लगता है वो दिखता है ये दिखता है, ये बड़े लंबी खींची हुई बात बोल खींच खींच के बोलना, बात करना है तो एक साफ में एक लाइन में बोल के बात आंसर दिया जाता, सोच सोच के बोल बोल के बोलना ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अब आप ना ही आए तो बेहतर है मेरे लिए। सॉरी सर एक लास्ट बार बोलना भूल गया था, ये इतनी ना एपिसोड है कुछ रहता नहीं, इस वजह से जब राहुल को ये पूछा गया रूबीना दिलाई की फ़्लाइट में बैठ के तुम भी जब बाहर देख के आए तो रूबीना की फ़्लाइट में बैठना पसंद करे बोलते, तो ये मैं मीडिया वालों को मैं भी एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जब आप दिन रात रिव्यू देते हैं बिग बॉस का, आप लोग को ये नहीं पता राहुल की कितनी फ़ैन फॉलोइंग है और अली गोनी की कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, आप रूबीना से कंपेयर करके रूबीना को और ऊंचा क्यों दिखा रहे हो? यानी कि तुम बोलना ये चाह रहे हो कि राहुल की कुछ फ़ैन फॉलोइंग नहीं है निकी की जैसी, वो रूबीना को पकड़ के चलने वाला दिख रहा। अरे भाई वो कुछ भी नहीं करे तो आगे बढ़ेगा। आप लोग सब रिव्यू करते हैं बिग बॉस का, सब लोग करते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है राहुल किस पोजीशन पे टिका हुआ है, वहाँ पे किस वजह से टिका हुआ है, क्या लेंथ है उसकी, क्या फ़ैन फॉलोइंग है, सबको मालूम है। फिर ये बोलना जायज़ नहीं था वहाँ पे रूबीना के साथ बैठ के आप भी निकल रहे हो इसमें, उनके रूबीना का ये कुछ बोलने का तरीका ही नहीं था मीडिया वालों का, अली को ना राहुल को, राहुल की अलग फ़ैन फॉलोइंग है, अली के अलग फ़ैन फॉलोइंग है, ये दोनों की बहुत तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, फिर किस बेस पे रूबीना से कंपेयर करके रूबीना की तारीफ करके चले गए। सर ये सब छोटे छोटे आइडियो है सुनाना ज़रूर, इस मीडिया ने अली गोनी को जो है ना रूबीना की बीचिंग करते हुए क्वेश्चन खड़ा करा है,
हमने कभी देखा नहीं अली गोनी को बिचिंग कर और रुबीना की बिचिंग करते हुए, फिर क्यों ये इस मीडिया ने झूठ झूठ जो है ना और भी फैला के गया है, अली गोनी बिचिंग करता है रुबीना की उसकी की। अली गोनी एक ही ऐसा इंसान है जो मुंह पे फेस टू फेस करके दिखाता है, उसको उसको किसी की भी बिचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मुँह पे बोलता है हर किसी के, फिर ये क्यों बेवजह जो है ना नफरत और भी बढ़ा के गई है इस मीडिया ने। इस मीडिया से तो मैं कई शिकायत है, मैं बोलना चाहूँ तो पूरा 1.5 घंटा बोल सकता हूँ इस एपिसोड पे, मगर बाकी का भी थोड़ा एहतियात करके जो है ना मैं बात को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। तो ये थे रफी जी। तो रफीक जी, मैं ये सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि गिरते हैं शहर सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, यानी कि जिनको बहुत सारी सपोर्ट मिल रही है नाजायज, तो वो जीतते हैं, विंदर बनते आगे जाके जाते हैं, वो माने नहीं रखती चीज, माने वही रखते हैं जो लोगों का दिल जीत। खिलाड़ी कौन होता है? जो बहाव में तो सभी बह जाते हैं, जो सामने से जो लहरें आ रही है उनको चीरता हुआ आगे निकलता है, वही रियल विनर है। तो ये हमको ये छोड़ना नहीं है, ये डिफीट है हमारी, कोई नहीं बात, कोई नहीं, हमको तो पता है हमारा विनर कौन है, तो हम एंड तक लड़ेंगे, अंत तक, जब तक बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले नहीं हो जाता हम देखेंगे और रोज अपने विचार प्रकट करेंगे। ये आपकी बात सही है कि बाकी के 8 भैया किस हिम्मत से खेले जब उनको दिखाई दे रहा है शरेआम के भाई, लेकिन वो हिम्मत एंड तक साथ नहीं छोड़नी चाहिए। पता नहीं बिग बॉस के माइंड में क्या चीज हो, पता नहीं एंड में, क्योंकि शो का नाम है अब सीन पलटेगा, ये याद रखिएगा। जी हाँ, थैंक यू सो मच रफीक जी आपके ऑडियो के लिए। आगे किसका ऑडियो? चलो मैं सुनाता हूँ, कल्पना जी बहुत भड़की हुई है। हेलो सर, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, दोनों बोल देती हूँ क्योंकि 12 बजने वाला है। कैसे हो? चलो आज कल का एपिसोड के बारे में बात करते हैं। कल रिपोर्टर अंदर आए थे, रिपोर्टर कम रूबीना के फैमिली अंदर ज़्यादा लग रहे थे, अंदर रिश्तेदार, मम्मी पापा सास ससुर अंकल आंटी भैया भाभी सारा आए थे अंदर, रिश्तेदार भी थे है ना, तो वो सब आए थे। और रिपोर्टर होते ना, रिपोर्टर के जैसे सवाल पूछते और रिपोर्टर के जैसे जवाब में हम मांगते, ना कि अपने अपने रिपोर्टिंग में अपने सवाल में खुद ही उलझ रहे थे, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखी, पहली बार देखी ऐसा रिपोर्टर को। रिपोर्टर क्या होता है, सबसे बराबर सवाल पूछना होता है, ना कि एक दो को इतना टारगेट करके पूछना, ना एक को उसका गलती को भी डिफेम करना है ना, उसको भी आप किसके सपोर्ट में बात कर रहे हो, किसी का बुलिंग, किसी का क्या बोलते हैं धक्का देना, ये आपको जस्टिफाई कर रहे हो इधर आके है ना। वो राहुल वैद्य को जो रुबीना ने धक्का दिया था उसको जस्टिफाई करने आई थी अंदर, इसका काम क्या है, रिपोर्टिंग करना, जवाब पूछना या जस्टिफाई करना, बताओ। जस्टिफाई कर रही है, नहीं उसने वो नहीं दिया, वायलेंस से गिर गया था, वायलेंस से बिगड़ गया था, वो रियली सच्ची हद है कुछ भी। और राहुल वैद्य को पूछ रहे हैं कि वो राहुल अली को समझाता नहीं, वो जब बुली करता है उसका ट्यून आपको वो नहीं लगता है ना, तो उसको नहीं समझाते आप, जब रुबीना बोलती है तो आपको आप चढ़ पड़ते हो, ये बताओ आप, जब राहुल वैद्य करता है तो इन लोगों को दिखाई दिया, जब झगड़े में रुबीना आती है राहुल के ऊपर चढ़ चढ़ के, तो इसको क्या बोलेंगे, ये बुली नहीं है, ये कौन सा शो देख के आ रहे हैं, कौन सा शो की बात कर रहे हैं ये लोग, एक आ गए टाइम्स ऑफ इंडिया वाली, वो क्या पूछ रही है, ये क्या बोल रही, अस्तित्व आपका, रुबीना क्या बोल रही, इसका अस्तित्व ही अली है, और अली तो 50 दिन के बाद आया था, इससे पहले किसका अस्तित्व था उसके पास, तो पहले खुद का अस्तित्व तो दिखा, तेरा क्या अस्तित्व है उस शो में, तू अकेली इंडिविजुअल कभी खेली है,
दोनों पति पत्नी खेल रहे हो, पति पत्नी का शो बना रहे हो घर के अंदर। एक ने सही क्वेश्चन पूछी थी, वो शायद दूसरे गांव की होगी, रूबीना के गांव की नहीं थी शायद, उसने पूछ ली। हाँ? तो वो अस्तित्व की बात तू कर रही है, तू वो भी, तेरा खुद का अस्तित्व क्या है ये तो बता पहले। वो तो बताने दे, वो तो पता चलने दे दुनिया को, वो तो दिखा पहले, फिर तब दूसरे को बोल। आ गई बड़ी है किसी का अस्तित्व के बारे में बोलने वाली, ये कहाँ गए वजूद के बारे में। हाँ, उसका क्या वजूद, उसका वजूद लड़ाई में दिखता है। तो आपकी रूबीना कहाँ दिखती है, लड़ाई में भी तो दिखती है, वो भी लड़ाई के अकेला राहुल करता है क्या, वो भी तो दिखती है, वो भी तो चढ़ चढ़ के आती है, वो बुलिंग नहीं लगता उसमें क्या, राहुल बाजी दिखता, वो रूबीना नहीं दिखती आपकी रूबीना, उसके अलावा कहाँ कहाँ दिखती है वो तो बताओ हमको पहले। राहुल वैद्य तो कहीं गाना गाते हुए, कहीं मिमिक्री करते हुए, कहीं कॉमेडी करते हुए तो दिखाई देता, वो क्या करते बैक बीचिंग करते दिखाई देती अपने पति के साथ पीछे, वो नहीं दिखाई दिया। पूछना सवाल ऐसा पूछो ना, खुद अपने सवाल में आप ही खुद ही उलझे रहे हो। आ गए उमन कार्ड खेलने वाली अंदर, कैसे भेज देते बिग बॉस भी अंदर ऐसे उमन कार्ड खेलने वाली लेडी को। पिछली बार आ गए थे वो वायलेंस वाला थप्पड़ मारने वाला, उसको कट कर दिया, अब ये आई क्या क्या उठा के लेके आ रहे हो अंदर। हद होती है किसी चीज में भी, हर किसी एक को टारगेट। कंग्रेचुलेशंस वो रूबीना के फैन, आपकी रूबीना जीत गए शो, मुबारक हो। ऐसे में कोई और जीतेगा शो बताओ आप, ऐसे किसी को जो अच्छा खेल रहा है उसका कोई नहीं, उसको टारगेट कर रहे हो। राहुल बद्दे को कितना, 11 क्वेश्चन पूछा, रूबीना को 3 क्वेश्चन, वो भी। आप क्या करोगे घर जाके, आप क्या करोगे बाहर जाके, गेम के बारे में कुछ पूछो ना। आपका काम क्या है घर के अंदर आके किसी को एक्सपोज करना, हर किसी को गेम गेम के बारे में बोलना। आप तो एक के पीछे पड़े हो, उसका पीछा पकड़ के रखे हो, उसका पूछ पकड़ के रखे हो, आपने पीछे पीछे भाग रहे हो। राहुल बैठे और अली दिखता है, जब रूबीना निक्की की बदतमीजी को सपोर्ट कर रही है, निक्की की बदतमीजी को वो कह रही है, उसमें एक दूसरी गांव की होगी, उसी ने पूछा, तो पहले तो आपको बुरी लगती थी, अभी दूसरे टीम में है तो आपकी टीम में तो आपको अच्छी लग रही है। तो उसने कहा, मैं कौन होती हूँ उसको चेंज करने वाली, मैं क्या हूँ ना, मेरी वजह से है तो बोलो बता, मैं क्यों करूँ, मेरे में सपोर्ट आ रहा था मैं तो करूंगी। वो भी हम्बल, वो भी निक्की हम्बल है उसके लिए, अभी निक्की हम्बल है ना। तो सेम क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है, तो क्यों नहीं समझाता अली को, राहुल को पूछ रही है, बताओ ये कैसे दोग लेंगे हाँ? तो वो राहुल क्यों समझाए उसको, उसकी जिंदगी उसकी लाइफ उसका इच्छा है, वो ऐसी है ना, वो क्यों बदले किसी को। तो कैसे आ गए आप राहुल वैद्य को बदलो बोलने वाले हाँ? तो सही कहा, इतना मुंह तोड़ जवाब दिया ना राहुल ने, मजा आ गया कल। जैसे जैसे इन लोगों ने क्वेश्चन लेके आए थे, ये क्रिएटिव टीम ने जो भी थे ना अंदर, जो बिग बॉस के वाले, इन्होंने जो स्क्रिप्ट पढ़ा के लगाए थे ना बाहर अंदर, तो इसका अच्छा जवाब दिया, छा गया बंदा अली गोनी, सच में छा गया। इनका इतनी बेइज्जती किया अली गोनी और इजाज खान ने, वाह इजाज खान सच में लव यू, और आज तू मेरा, सच में मैं तेरी दीवानी हो गई आज, तूने ऐसा जवाब दिया ना इनको, सही कहा। इसको वो एक कैरेक्टर दिया अंदर प्ले करने के लिए, वो वही कैरेक्टर प्ले कर रही है ये दोनों, और कुछ भी नहीं है। और आ गई निक्की, जब अली को, जब राहुल को वो पूछ रहे कुछ पूछ रहे, वो पीछे से बोले, अब दे आंसर, अब दे, अब बोल, अब बोल, ये क्या, जब इसके बारे में कोई बोलता है, इसका साथ कोई सवाल पूछ रहा है, उसके बाद कोई पीछे बोले, ये तो कोई बीच में क्यों बोल रहे हैं, हद्दी है बार, कैसी है यार, कैसी है ये। बदतमीजी उधर भी बदतमीजी इसकी शुरू, वो ही देखो वो मैडम का, रूबीना मैडम का, ओ माय गॉड, इसका एक्टिंग तो हमने देख ही लिया था, इसका ऐसा ऐसा फेस भी बना दिया, आज तो फेस भी दिख लिया हमने, इसका फेस, इसका घमंड, इसका सच में उधर
क्यों बैठे हैं वो रिपोर्टर, इतने सारे क्यों अंदर आए हैं? हाँ, जब राहुल बात कर रहा है तो उसके पीठ दिखा रही है, उसके वहां पीठ दिखा रही है रिपोर्टर के पीछे। ये कहाँ का घमंड है यार, कहाँ का, ये कैसा घमंड है, किस चीज का घमंड है? ऐसा क्या है, क्या तू, क्या चीज है तू बता दे, तू क्या है तू बता दे पहला, किस चीज की घमंड है तेरे अंदर इतनी, किस चीज की है तुझे बता दे, तू है कौन, किस, कहाँ की परी है तू बता। एक नेपाली में गाना है ना, कुंदेश की परी हो तिमी, हाँ ये कहाँ की है ये परी? इसका थोपड़ा देखा था किसी ने, कैसा कैसा मुंह बना रही थी है? सच में वुमन कार्ड, आ स्ट्रॉन्ग लेडी, स्ट्रॉन्ग लेडी कैसे होती है, ऐसी होती है स्ट्रॉन्ग लेडी, छोटी छोटी बातों में वुमन कार्ड खेलती है स्ट्रॉन्ग लेडी, एक सह नहीं पा रही स्ट्रॉन्ग लेडी तेरे आगे खड़ी है। ये देखो आ गया फिर से, वुमन कार्ड लेके आ गए, अपनी धजिया, अपनी मैं क्या बोलूं अब, हाँ वुमन कार्ड खेल, वुमन कार्ड पावरफुल लेडी और स्ट्रॉन्ग लेडी इसको बोलते हैं। जैसे जैसे जिस जैसे भी हालात हो, जैसे भी परिस्थिति हो, उसमें वो अपना वुमन कार्ड नहीं खेलती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हम एक सिंपल घर के हैं हम भी, है ना, तो हमारे घर में हमारी मम्मी ने कभी नहीं खेला कि मैं औरत हूँ, इसने ऐसा किया मेरे साथ, हमारे मम्मी ने नहीं किया ये। हाँ ऐसी उमन होती है जो जैसा भी करो वो मैं रखो, अपना उमन कार्ड कभी नहीं लाती, मैं लेडीज हूँ इसलिए ऐसा किया, मैं ऐसा नहीं करती। वो डट के लड़ती है, डट के खेलती है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लेडी, ना कि किसी का हाई फाई करने से मेरा पर्सनल स्पेस पे आ गया, क्यों कैसे आया, मेरा बिना अनुमति कैसे वो कर दिया, ये नहीं होते स्ट्रॉन्ग लेडी, ये लूजर होते हैं। स्ट्रॉन्ग लेडी के नाम पे धब्बा है ये, इसको बोली स्ट्रॉन्ग लेडी, जो घर से ऑलरेडी पीछे पीछे एक अच्छा बॉडीगार्ड लगा के लेके आई है, उसको बोली स्ट्रॉन्ग लेडी, और बात बातों में टाइम टाइम में बिग बॉस है ही, सास ससुर घर के अंदर बैठे और बाप अंदर बैठे, और वो ये बाहर से भेज देती हैं आंटियों को घर के अंदर। एक आई थी ना 12 किलो का वो मेकअप थोप के, दो चेयर में एक ही बैठी थी, वो क्या बोल रही है, ये रूबीना ने एयरलाइन से पकड़ लिया तो तू भी चढ़ गया, जो सस्ता है उसी में तो चढ़ेंगे। सही तो बोला राहुल ने, जो सस्ता है उसी में चढ़ेंगे, और राहुल का एक अच्छा वन लाइनर था, हाँ जो मुझे दाल भात समझते हैं उसको मैं बिरयानी का फीलिंग तो नहीं दूंगा, है ना, बिरयानी वाली इज्जत तो नहीं दूंगा। सही तो है, जो जैसा देगा वैसे ही तो देगा वो, क्या रखते हो आप। हाँ देख, किसी बात में भी ऐसे ऐसे उठा के लेके आए, आ गए 12 किलो मेकअप थपोड़ के, 4 किलो लिपस्टिक लगा के अंदर, ऑलरेडी घर के बाहर कम कर रही थी, राहुल वैद्य का नाम का टाइटल लगा रही थी, क्या बोलते हैं, भाषण किसी दूसरी चीज का देती है, इसका तो यही है झंडा। डिस्गस्टिंग लेडी, सारे के सारे आए थे, इतना गुस्सा आ रहा था बेवकूफ औरतों। पर अली ने इतना अच्छा जवाब दिया, इतना अच्छा जवाब दिया है ना, और राहुल ने इतना जम के जवाब दिया ना, खुद ही उलझ गए। उसने काम्यान पंजाबी ने भी बोली, ये औरत मर्दों का इधर मत बोलो, ये अच्छा नहीं, ये गलत है, उसने भी बोली। जब निक्की ने बोला, निक्की ने बोला ना, आप क्यों घुस जाती हो, क्यों नहीं किया, जब रुबीना अभिनव और उसका अली का फाइट हो रहा था, आप क्यों नहीं घुसे बीच में, क्यों नहीं आया, तो तब अली ने, राहुल ने ठीक बोला, हाँ जब घुसते हैं तो बीच में घुसते हो बोलते हो, अब जब नहीं घुसा तो क्यों नहीं घुसते हो बोल रहे हो, तो आप दोनों बताओ कितने दोगले हैं ये दो, इधर ये मीडिया वाले कितने दोगले हैं ये, आपने देख ही लिया कल,
राहुल को और अली को टारगेट करने के लिए भेजा था अंदर बिग बॉस ने। आप जितना टारगेट करोगे उतना मजबूत होगे बाहर निकलेगा, देख लो। आप जितना वो देखो उसका घमंडी क्या था, उसको कोई मतलब ही नहीं था, हमको क्या लेना देना, हमारा तो है ना आगे बैठे हैं, हम तो पावरफुल हैं, हम तो हमारे क्या हमारे बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे बोलने वाले हैं, हमने तो मुंह रखे हैं बाहर बोलने वाले, ऐसा करके बैठी थी रूबीना। कितना घमंड है, कितना एटीट्यूड है इस लेडी में, ओ माय गॉड, सच में अच्छा जवाब दिया अली ने, तो सच में इतना अच्छा जवाब दिया, मुंह बंद करवा दिया, टाइम लिया मीडिया वाले ने, जब राहुल ने पूछा ना टाइम लिया मीडिया वाले ने, ये होता है जवाब, अपने जवाब में अपने एक दूसरी वाली ने कंधे में हाथ रखी, अरे तू चुप कर, ये औरत ना, ना मर्द का वो मत कर, वो चुप कर करके पीछे से वो उसने मीडिया वाली ने मीडिया वाली को एक्सपोज किया कर, कहाँ का शो देख रहे देख के आ रहे हो, थोड़ा अच्छी तरह से देख के आ जाओ। ओके मैम ठीक है, बहुत हो गया मुझे बहुत। सबसे पहले तो आपका ना अंदाजे बयां बहुत कमाल है। आप जो जो चीजें लेके आते हैं ना कि घर में कि उसके मम्मी डैडी आए थे, उसके वो आए थे, मतलब कमाल है। सच में लोगों को ऐसे ही लगा कि यार ये मतलब कैसे सवाल पूछ रहा है, कैसा मीडिया है, और वो फिर भी इसके बावजूद भी अली गोनी और राहुल कृष्ण वैद्या ने जो जवाब दिए वो वाकई में लाजवाब थे। लाजवाब थे। तो थैंक यू सो मच कल्पना जी आपके इतने अच्छे और इतने प्यारे ऑडियो के लिए। तो आगे क्या है नवीन जी? आगे हम सुन लेते हैं, चलिए विशाल जैन क्या कहते हैं सुनते हैं। सर हेलो मैम, हेलो एंग्री स्पिरिट, हेलो एवरीवन। तो बेसिकली बात करते हैं कल के वीकेंड के बार की, जिस तरह से मीडिया जी को वो जिस तरह से मीडिया लोगों की पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी, और जिस तरह से उनको एक मुंह तोड़ और एक करारा जवाब दिया जो। तो बात करते हैं सबसे पहले जिस तरह से कामया जी ने एंट्रीज की, जिसमें मुझे राखी सावंत और रूबीना का डांस बहुत अच्छा लगा, और साथ साथ निकिता तंबोली और सोनाली जी का बहुत सबसे ज़्यादा मुझे उनका ही लगा, और साथ ज़्यादा मुझे अभिनव शुक्ला और अली गोनी का भी जो वो बॉक्सिंग किट पहन के दो दोनों बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने धुनस निकाली है बहुत ही अच्छा लगा। और राहुल और देवोलिना काफ़ी अच्छा गाती है देवोलिना, मैंने फर्स्ट टाइम उसका सॉन्ग देखा, बट शी इज़ वेरी गुड सिंगर, और वो दोनों का तो चलते ही रहता है। तो बात करते हैं मीडिया के ऊपर। सबसे पहले ये जो मीडिया, मैंने पूरे बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसी फर्जी मीडिया को ज़िंदगी में नहीं देखा। इनके क्वेश्चन में क्या वो मीडिया वाली फीलिंग आप सभी को आ रही थी कि ये ऐसे ही बकबक कर रहे थे? जिस तरह से वो अली गोनी ने उस लेडी को जो टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से बोल रही थी, उसको जिस तरह से मूत्र और करारा जवाब दिया कि तुम पहले बोलते थे तुम उसके लिए खेल रहा है, अब मैं अपने लिए खेल रहा हूँ, तो मतलब। और जिस तरह से उसने कहा कि आप लंबी लंबी लिस्ट लेकर आए हो क्वेश्चंस के, मैं आपको एपिसोड देख के मैम ज़रूर कॉल करूँगा, मतलब उस टाइम उनका फेस देखने लायक था। एजाज ने भी बहुत ही काफ़ी अच्छा किया डिफेंड फ्रंट ऑफ मीडिया, एंड राहुल ने भी काफ़ी अच्छा किया, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था वो कुछ वो जो लेडी जो थी वो रूबीना की छत्र छाया वाली थी, हर पॉइंट में इतना डिफेंड कर रही थी ना। अगर अब बिग बॉस की विनर शीज बन भी जाती है ना, तो जो हमारे लिए सेकेंड अपॉइंटमेंट होगा राहुल एजाज और अली में से, हम उन्हीं को विनर मानेंगे, बिकॉज मुझे अब उनसे नहीं, पहले था बहुत रूबीना जब, अब मुझे ये प्रसारित लेकर मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और जिस तरह से वो बोल रही थी कि मेरा बाहर उनसे झगड़ा चल रहा था, हम डिवोर्स के ऊपर आए थे बट हमने सोचा कि थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं बिग बॉस में, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी बनाते कुछ भी। और जो सुपेरियर कॉम्प्लेक्स की जो बात की थी वो राहुल ने स्टार्ट नहीं की थी, राहुल ने स्टार्ट नहीं की थी, स्टार्ट की थी किसने? जासपिन भसीन ने। पर मुझे एक बात बताइए सर और मैम, जिस तरह से मीडिया वाले हमेशा राहुल को बोल रहे थे, बट किसी ने ये क्यों नहीं पूछा रूबीना जी से कि आप जो वो
सलमान वाला, मुझे वो वर्ड भी याद नहीं आ रहा है कि अन क्या, वो अन वाला जो वर्ड था, आई डोंट नो व्हाट सर, बट आपको ये आई थिंक याद आ गया रहेगा, जिस पर सलमान खान ने बहुत ही ज़्यादा कुछ टोंट मारा, उनको बहुत ज़्यादा मुँह तोड़ और अच्छी तरह से समझाया, तो किसी मीडिया ने उसके ऊपर क्यों नहीं पूछा? सारी मीडिया हमें बायस ही दिख रही थी, बट कुछ कुछ लोग जो सिलेक्टेड पर्सन थे, वो जिस तरह से एक किसी में जाता कि आप अन्य का अपमान देखते हो, और सच में नेकी तंबोली जो बौखला गई है, जो ऐसा कि मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, तो आप जैसे भी हो कुछ ही दिनों के अंदर आप बाहर भी चले जाओगे, बिकॉज टॉप आई थिंक 6 और 5 वीक में फिनाले कमिंग और फैमिली वीक भी आने वाला है, तो ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जासमीन भसीन इंटर हो सकती है, लेट्स सी कितना सच है कितना गुरा है, बट यही कहूँगा सर, मीडिया बिल्कुल बायस मुझे दिखी, और जिस तरह से अगर मैं कल देखूँ तो मुझे कल तीनों हीरो मेरे नज़र आए, और आई एम हैप्पी कि मुझे एजाज खान भी दिखे, मतलब घर के अंदर भी लोगों से वही बिहेवियर और बाहर भी वो बिहेवियर, आई लाइक द पर्सन। तो बेसिकली ये कहूँगा कि कल के तीनों जो हीरो थे, राहुल, अली गोनी और एजाज खान, तीनों बहुत ही अच्छा करारा जवाब दिया, और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा जो सबसे चर्चे में जो है मेरे हिसाब से, इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं बाहरी दुनिया के देखूँ तो ऑफकोर्स रूबीना जी के फ्रेंड फॉलोइंग है इसलिए वो चर्चे में है, सेकेंडली मैं राहुल को दूँगा, बिकॉज कहीं ना कहीं राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल थर्ड पे डिज़र्व करता है, क्योंकि थोड़े से फैन फॉलोइंग कम होने के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अली गोनी की और लोग बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो चुके हैं, और एजाज खान और अली गोनी मैं दोनों को टॉप रूम में रखना चाहूँगा, बिकॉज अभी एजाज खान घर में नहीं है, तो मैं दोनों को टॉप टू में रखना चाहूँगा, टॉप फोर में राहुल वैद्य और राखी सावंत। आपको मालूम रहेगा कि राखी सावंत के कितने वीडियोस बनाए गए, क्या वो सांडुली थी, ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना के गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो सबसे ज़्यादा चर्चे में रही है। तो दैबोलीना के हिसाब से मैं अग्री कर सकता हूँ किस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि वो बोल रही थी, अगर मैं चर्चे की बात करूँ, बट वो फ्लिप मारना दैबोलीना इट्स नॉट गुड, आप एक टाइम पे बोल रहे थे कि रूबीना फर्स्ट है, देन यू टॉक अबाउट कि वो फर्स्ट है, बट मेरे हिसाब से अगर देखूँ तो रूबीना फर्स्ट, सेकेंड अली गोनी एंड एजाज खान, थर्ड है मेरे पास राहुल, और फोर्थ है राखी सावंत, और फिफ्थ पे मैं लेना चाहूँगा अभिनव शुक्ला का। तो सर आपके हिसाब से भी कोई होंगे इसके ऊपर, आप जल्दी एक वीडियो बनाइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू हंगर स्प्रिट। हाँ, ये मैंने भी कल लाइव वीडियो में जो मैं गया था, तो मैंने भी यही कहा था कि बिग बॉस के तीन शेर, तो सच में कल तीन हीरो दिखाई दिए, और जिन्होंने जो है, जैसा कि विशाल जैन जी ने कहा, फर्जी मीडिया का मुंह बंद कर दिया है, वो बगले झांक रहे थे आसपास के, उनको जवाब नहीं सूझ रहा था। बिल्कुल सही बात है आपकी, सही बात है। और खैर, ये तो है ही कि मीडिया की बोलती बंद की थी, बट आगे कोई और है जो इनकी बोलती बंद कर रहा है, जो मीडिया वालों की बातें हैं जो सुनी है, कोई और ऑडियो है आपके पास? ऑडियो बिल्कुल है मेरे पास, मेरे पास बहुत ढेर है। हाँ, तो मैं रानी जी का इसके बाद सुनाता हूँ, उससे पहले राज शर्मा का कल मिस हो गया था, उनकी थोड़ी वॉइस क्वालिटी लो थी, तो राज शर्मा जी क्या कहते हैं यही सुन। हेलो सर, हंगरी स्पीड रॉक्स, अंजू मैम, नवीन सर, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, सब बिका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप सब एग्री करोगे मेरी बात से, रूबीना को डिफेंस करने के लिए आई थी, रूबीना के खिलाफ किसी ने कुछ भी नहीं बोला वहाँ पे, इतनी बड़ी गलतियाँ छुपाई जा रही है रूबीना जी की। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर से आई थी, वो एजाज, एली और राहुल को बोलने के लिए ही आई थी। रूबीना जी का कल एटीट्यूड देखने को मिला, जो कुर्सी में बैठ हिल रही थी, वो मुंह भी ना रही थी काफ़ी तरह के, इतना भी घमंड मत करिए रूबीना जी, अभी आप शो जीती नहीं है, इतना घमंड कर रही हैं आप, इतने एटीट्यूड में रहती है ना अब कि अब शो जीत जाएंगी, ये आपकी गलत फहमी है, ऐसे कुछ शो नहीं जीता जाता। यार मैं हैरान रह गया, कल एक बंदे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोला ही नहीं रूबीना को, थोड़ा बहुत दिखा देते हैं ये, वो कल सब रूबीना को अच्छा बता रहे थे कि वो ट्रेंड कर रही है, वो कर रही है, इसलिए सब उनके पीछे जाते हो, ऐसा नहीं होता है बिकाऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बिग बॉस ने भेजी थी। अब ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई है, सब एजाज को बोल रहे हैं ना, मैं तो बोल रहा हूँ रूबीना हो रखी है यहाँ पे, पूरे सीजन में वो देखने को मिल रहा है यहाँ पे।
कल एक चीज़ की खुशी हुई, एजाज सर वीडियो कॉल में आए कल। जो ये सरिता जी है ना फीफा फूड वाले जो हैं, ये बहुत चंड समझते हैं। पिछली बार भी, पिछले सीजन में भी इन्होंने काफ़ी मतलब कुछ बोला था सिद्धांत पर, किसके बारे में बोला था। इस बार भी ये पकड़ी गई है, एजाज को बोल रही थी कि अब रियल मैं जिस एजाज खान को जानती थी वो बहुत रियल थे, पवित्र पुण्य साहब ने ऐसे किया, उनके साथ ही थे पवित्र पुण्य, ये तमाचा मारना बोलते हैं इसको। भाई एजाज भाई अब जल्दी कम बैक करो, अब बहुत रियल हो यार। रुबीना जी कैसे बोलती हैं कि आपने रुबीना जी के बारे में क्या है? प्रेस वाले ट्विस्टेड करते हैं शब्दों को कि आपने बाहर जाके ये बोला है कि उसका करेक्टर दिखा रही है, कर रही है, उन्होंने बोला कुछ और था। इतना रुबीना को ये पक्ष दिया जा रहा है इस बिग बॉस में, सब साफ देखने को मिल रहा है। और अब अभिनव को ज़्यादा चढ़ाया जा रहा है बिग बॉस में, देखने को मिल रहा है कि टॉप 5 में लेके आ सकें, इसलिए उन्होंने जैस्मिन को बाहर किया है कि अभिनव को लेके आ सकें। ये तो गलत बात है, क्योंकि जैस्मिन वोटों के हिसाब से तो बाहर हो नहीं सकती है, अभिनव को उससे कम वोट ही मिले थे, ये सब साफ साफ पता लगता है। क्योंकि इन्होंने अभिनव को लेके आना है टॉप 5 में, इसलिए शायद इन्होंने जैस्मिन भसीन को बाहर किया है, ये साफ देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो निकी ने कर बोला कि 23 साल की बच्ची है ये, ठीक है, इसको कुछ भी बोलने की आज़ादी है, कल बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही थी वो यार। वो लड़की भी अपनी गलती मानती नहीं, मैं ऐसा हूँ खुल के बोलती है, करो जो खुल के करना करो, पर ऐसी लैंग्वेज यूज़ मत करो बिग बॉस में, मैं यही चाहूँगा। निकी तुम बोली अब रुबीना के पपेट लग रहे हो, उसके पीछे पीछे चलते हो आप, जो वो बोलती वही करते हो आप। तो रुबीना एक बात कुछ सही बोली, जो निकी गलती करती है रुबीना कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि रुबीना यही चाहती है कि जो ज़्यादा बोल, जैसे राखी है, अब राखी अगर रुबीना के खिलाफ हो गई ना तो मैं देखता हूँ रुबीना कैसे हैंडल करती है, जो जैसे राखी लैंग्वेज यूज़ करती है तेज बोलती है। और ऐसे ही अगर यही चीज़ वो करें निकी तो बोली, पूरा एडवांटेज मिला हुआ है बिग। सबसे पहले तो इन्होंने दोनों घर लेके आए हैं। मुझे ये बताइए मैम सर, रुबीना जी को अपनी फैमिली से कहाँ दूर है, उनके हस्बैंड तो हैं यहाँ पे, बाकी सर बाकी सब सिंगल मतलब से अकेले आए हैं यहाँ पे, बाकी रुबीना भी इकट्ठे आए हैं यहाँ पे, उनको एडवांटेज मिल चुका है। उसके बाद ये दिखावा करते हैं यहाँ पे कि हम शो जीते, हम मतलब ऐसे करते हैं, हम भी प्लानिंग बनाते हैं, ये पहली प्लानिंग कर लेते हैं बिग बॉस में कि इन्होंने क्या टास्क में कैसे इन्होंने पार्टिसिपेट करना है, ये पहले दिखा देते हैं सारे। ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं दिखाना चाहिए इनको कि जो पहली हार मान लेते हैं अपने टास्क में कैसे परफॉर्मेंस करना है, ये पहले तय कर लेते हैं। बाकी रुबीना को बहुत पक्ष किया जा रहा है, बहुत बायस्ड लग रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रुबीना को अच्छा ही बोल रहे, सब ठीक बोल रहे थे, किसने नहीं बोला, गलत बात है, राहुल के पीछे पड़ गए सारे। मैं राहुल गलती है मानता हूँ, वैद्य बहुत गलत है, पर मुझे तो अब ज़्यादा रुबीना गलत लग रही है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में है रुबीना, उसको मैं ट्रेंड कर रही हूँ, मेरे पीछे तभी सब, जैसे निक्की मिल गई है वो मिल गई है, और सोनाली जी की जो इंसल्ट की है मीडिया वालों ने, काम्या ने, काम्या तो पता ही है रुबीना को सपोर्ट करेगी कि शो में तो काम कर चुके हैं, काम्या भी अगर वो रुबीना को खिलाफ भी बोल रहा था ना वहाँ पे बोल देती थी, इतनी भी सही नहीं है काम्या जी, रुबीना जी ठीक है ना, आप देख के आई हैं बिग बॉस कि आप रुबीना को सपोर्ट करने के लिए आई हैं, ये साफ साफ देखने को मिल रहा है। ऐसे मत करिए आप, ऐसे मत करिए आप, देख लीजिए, इतना भी सपोर्ट मत करिए रुबीना को, जहाँ उनकी गलती है वहाँ आपको बोलना चाहिए, मैं यही चाहूँगा, ऐसे मत बोलिए किसी को। रुबीना के खिलाफ आपको कुछ सुन ही नहीं रहा था, ये साफ देखने को मिल रहा था, मैंने कल भी सर ऑडियो डाला था, शायद मेरी लो वॉइस थी शायद तभी, यहाँ पे ऑडियो डाला नहीं गया है मेरे हिसाब से, ये ऑडियो डालना चाहिए था आपको, और हकी लो वॉइस हो सकती है मेरी। कल मैंने ये बोला था कि जो सोनाली का इन्होंने मुद्दा बढ़ाया था कल, जो इन्होंने लड्डू वाला हुआ था, वो रुबीना जी यहाँ पे जज लगे हैं क्या अभिनव रुबीना, जो अर्षित भी पता है उसने पराठा फेंक, सोनाली ने पराठा फेंक दिया है, और तुम अर्षित रुबीना और अभिनव और निकी को बता रही हो, तुम्हें पता है वो ज़्यादा बोलेंगे, वो जज थोड़ी ना यहाँ के, अर्श अली ने सही बोला यहाँ पे। और मुझे ये बताइए कि रुबीना आप कौन सा अन्न की मतलब रिस्पेक्ट करती हैं, आप तो लड्डू मुँह से फेंक देती हैं, वो भी अन्न ही है और कुछ नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए, दिखाती है ना बहुत कुछ, ये गलत बात है आपको, ठीक है। और अली ने कभी रुबीना की बुराई नहीं की है, अली ने एक दिन कढ़े मुंह बोला था, वो मैंने खुद बोला था, शायद वो उनको बोला होगा, उसके अलावा कुछ भी बैड बिजिंग नहीं किया, ये बोला है कि गेम खेलते, इतनी कोई बुरा तो अली ने बोला नहीं है, रुबीना जितना बोल रहे हैं, क्योंकि प्रेस ही रुबीना की थी, सब खरीदे हुए हैं ये फीफा फूड वाले जो भी, सब रुबीना को सपोर्ट करते हैं, पीआर टीम इस उसी का राह चल रहा था कल, ये गलत है। एजाज विल बी बैक, मिस कर रहे हैं, क्योंकि एजाज जो रुबीना को हरा सकता है यहाँ पे,
समझता है, बस ये कहना चाहूंगा हर कुछ लोग भाई। निकिता बोली रुबीना की पपेट है, ये तो अब पूरी दुनिया को पता चल गया बात। और दूसरी बात है राजी के, ये भाई कामिया पंजाबी का, तो कामिया पंजाबी के ट्वीट देख लेना ट्विटर हैंडल पे के ऊपर जाके, तब ही पता चल जाएगा कि कामिया पंजाबी शरेआम जो है उनकी फेवरेट रुबीना दिलाया गया, वो उसकी सपोर्टर है। तो ये सपोर्टर इकट्ठे करके क्यों लाए गए, ये सच में ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कल वाले ऑडियो के लिए मिस इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपकी वॉइस बहुत लो थी। जो भी हमें भेजते हैं ऑडियो या वीडियो, उसमें वॉइस क्वालिटी बहुत मायने रखती है। अगर आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी तो कैसे होगा। तो बिग बॉस की आवाज को अपनी आवाज बनाइए, निक्की तंबोली की आवाज को अपनी आवाज बनाइए, सबको सुनाइए, मतलब वॉल्यूम थोड़ा अप रखिए। तो थैंक यू सो मच राज जी। आगे नवीन जी, रानी जी का हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हैं और आपका दिन कैसा गुजरा? मेरा दिन तो अच्छा गुजरा पर शाम अच्छी नहीं गुजरी। देखो तो क्या टाइम कर दिया इन्होंने, 12:15 बज गए और अब जाके शो खत्म हुआ। और शो भी इतना बुरा, इतना गंदा, सारे शो में बस मुझे गुस्सा ही आता रहा। तो अब मैं यहाँ पे तो गुस्सा नहीं निकालूंगी, पर एक बात कर रही हूँ कि ऐसा बोरिंग और स्टूपिड शो था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बिग बॉस देख रहे हैं। देखो तो जो कॉन्फ्रेंस वाले आए हैं, रिपोर्टर्स आए हैं, आर दे रियली रिपोर्टर्स कि किसी और प्लेनेट से उठ के आ गए हैं और यहाँ पे लोगों को सवाल जवाब कर रहे हैं? ये रिपोर्टर्स हैं ही नहीं, इनके सवाल भी इतने पागलपन के और बेवकूफ हैं कि जिनका कोई सेंस नहीं बनता, कहीं से भी ये रिपोर्टर नहीं लग। एनी हाउ शो तो शुरू होता है कि चंद्रमुखी और पारो डांस कर रहे हैं, राखी और रुबीना डांस कर रहे हैं, गाना भी देवदास का ढूंढ के लाए हैं कि वो जैसे कि ऐसे ही लग रहा है कि भाई अभिनव देवदास है और ये दोनों उसकी पत्नी और गर्लफ्रेंड है गए हैं। रियली डांस करा ठीक है, चलो अच्छा था, इन्होंने अपनी तरह से अच्छा किया और सेम फॉर्म में वो दूसरों को लाते रहे फॉर द प्रेस रिपोर्टर्स। टर्न बाय टर्न सारे आए, अपना बैठ गए आके, फिर बुलाया इन्होंने रुबीना को और राहुल को। नाउ माय क्वेश्चन इज, इन्होंने जितने सवाल राहुल से पूछे रुबीना से क्यों नहीं पूछे? वो कहते हैं कि राहुल रुबीना की आड़ लेके आगे बढ़ रहा है, यही सवाल तो रुबीना से कर सकते थे, लेकिन रुबीना से तो कुछ नहीं किया क्योंकि वे रुबीना के पीआर रह गए हैं, उसकी तो बड़ाई करनी है उन्होंने। और ये यहाँ पे औरत मर्द का सवाल कहाँ से आया? ये औरत मर्द की बातें कर रहे हैं तो बिग बॉस को दो शो बनाने चाहिए, एक औरतों का एक मर्दों का। बिग बॉस में ना तो कोई मर्द होता है ना कोई औरत होती है। तो यहाँ पे ये कहते हैं एक औरत की बात करते, एक औरत का सहारा लेते हैं। और यहाँ पे रुबीना का एटीट्यूड तो देखिए, वो ऐसे बैठी है कि जैसे उसको कोई परवाह ही नहीं है, मस्ती में कुर्सी घुमा रही है, इधर घूम रही है, उधर घूम रही है, मुंह बना रही है, नो रिस्पेक्ट फॉर एनीबॉडी। चलो राहुल को तो छोड़ो, उसका तो वो कीड़ा मकोड़ा समझती है, प्रेस वाले भी उसके लिए वही हैं, कोई मायने नहीं रखते। वैसे ही बदतमीजी से बैठी, वैसे ही हाथ मटका रही है और बातें कर रही है, और फिर कहती है मैं बताती हूँ दुनिया का कोई मर्द, दुनिया का कहा था या क्या कहा था, नहीं चाहते कि औरत उनसे आगे निकल जाए। कौन सी दुनिया? ये पहाड़ों से लेके बॉम्बई तक आ गई तो इसने सारी दुनिया देख ली, दुनिया बस इतनी है यहाँ की, तो मैं बात क्या करूँ, यहाँ तो सारा सिस्टम ही डिफरेंट है। लेकिन इंडिया में भी कितने लोग अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं कि उनकी बीवी आगे निकल जाए। एक मैंने देखा था यहाँ पे, शायद कौन बनेगा करोड़पति में आई थी औरत अपने हस्बैंड को साथ लेके, तो उसने कहा था कि इन्होंने अपना काम छोड़ दिया ताकि मैं आगे निकल जाऊं। वो बंदा घर संभालता है, अपने बच्चे संभालता है, सारे घर के काम करता है ताकि, क्योंकि उसकी वाइफ अच्छी प्रोग्रेस करे, अच्छी पोजीशन पे जाए, और वो कर भी रही है, ही इज प्राउड ऑफ हिज वाइफ। तो ये कौन सी दुनिया की बातें कर रही है? और यहाँ की बात करें तो हर तीसरे घर में ऐसा होता है कि हस्बैंड घर संभालते हैं और वाइफ बाहर काम करती है, एंड दे आर मच मच प्राउड ऑफ देयर वाइफ। तो ये कौन सी दुनिया घूम के आई है, किस दुनिया की बातें कर रही है? और ये जो फैमिली लेकर आते हैं, फैमिली तो इसके साथ है, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि फैमिली इसके साथ है, हर मामले में कूदता है,
या कूदता रहा अब तक, और एज ए कंटेंट तो फिर दूसरे भी तो हैगे, उनको कितनी सपोर्ट करी इसने, हमेशा रूबीना की सपोर्ट करता है ना, और किसी की सपोर्ट करी इसने जिसको हम कह सकें कि उसकी सपोर्ट में ये आगे आया और उसकी साइड ली? किसी की नहीं साइड ली, सिर्फ इसी की साइड ली, रूबीना की, अपनी वाइफ की। और आज ये बात करते उनका रिश्ता यहाँ पे आ गया, और किसी ने इसको रूबीना को ये क्यों नहीं पूछा कि कौन से कल्चर में औरत जो वेल एजुकेटेड है वो गालियां देती है, लाइक सड़क पे जैसे लड़ते हैं साले, और पता नहीं क्या क्या बोलती है, 2 बार ही इसने साले कहा, उसका क्यों नहीं उन्होंने मुद्दा उठाया? ये रिपोर्टर सिर्फ एक साइड रूबीना की तरफ से ही लड़ने आए हैं, और नहीं कोई बात करेंगे, सिर्फ राहुल को ही टारगेट करेंगे कि तुमने ये कहा तुमने वो कहा। और जब निकी का सवाल पूछते हैं तो वो बड़ी कन्वीनियंटली कहती है कि मैंने इसको जो उसका है मैंने इसको कभी नहीं बढ़ावा दिया गाली दे, ये जो जैसा एटीट्यूड इसका है वो ऐसे करती है, मैं उसको क्यों रोकूं, ये ऐसी ही है, तो समथिंग लाइक दैट शी सेड। वो कह रहे हैं कि जब मी टू का मुद्दा आया था तो आपने नहीं रोका, तो वो कह रही मैंने रोका, झूठ, बिल्कुल झूठ, इसने नहीं रोका था, हम सब ने देखा इसने बिल्कुल नहीं रोका, ये तो हंस रही थी, ये इसने कब रोका? और यहाँ पे जितने भी रिपोर्टर हैं सारे के सारे रूबी की साइड क्यों ले रहे हैं ये हमें सब पता है, क्योंकि इसको उन बंदों ने भेजा जिसकी साइड इसने शक्ति में ली थी। ये वो लोग ये भूल गए कि ये सिर्फ एक्ट्रेस है, इसने सिर्फ एक्टिंग की है, प्ले इसने नहीं लिखा, डायलॉग्स इसने नहीं लिखे हैं, ये तो सिर्फ आधा घंटा काम करती है और घर जाके सो जाती है। और जब निकी आई तो उसको बताया, उसको प्रेस वालों ने पूछा कि तुझे क्या रूड का टैग मिला या बदतमीजी का टैग मिला है, तो तुम्हें सलमान ने भी बताया समझाया लेकिन आप फिर भी नहीं समझी, आप उसी ट्रैक पे हैं, तो वो कह रही मैं ऐसी ही हूँ, तो वहाँ पे खड़े हो के लड़ रही है, सबसे बातें कर रही है, बदतमीजी का नमूना दे रही है। और इसके बाद फिर कौन आया, राखी आई थी, राखी का तो वही टारगेट है, क्या अभिनव, अभिनव से आगे उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसकी शादी हुई है पर पति नजर नहीं आता, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एंटरटेन करती है राखी, दैट्स हर जॉब, वो हमेशा ही ऐसा करती है। और फिर सोनाली को जब बुलाया तो सोनाली ने तो उसको कुछ खास पूछा ही नहीं, बस खाना क्यों फेंक दिया भाई, खाना रोज फेंकता है यहाँ पे, उसने कहा, इसने ये क्यों नहीं कहा कि जब रूबीना ने लड्डू फेंका था तब क्यों नहीं खाने की बेइज्जती हुई अब। और सोनाली ने रूबीना का खाना कब मुंह से निवाला छीना भाई, जो रूबीना ने 2-3 दिन उसी दिन कहा था कि मेरे मुंह से निवाला छीना, वही यहाँ आके इन्होंने रिपीट कर दिया कि भाई उसके मुंह से निवाला छीना, रियली उसने उसके हाथ से खाना छीन के कहा था कि आ मुझसे लड़, वो तो खुद ही आई थी ना लड़ने के लिए, और ये एक बार नहीं 1000 बार हुआ, कल परसों भी जब सोनाली के खाने पे लड़ाई हुई थी तब भी हुआ कि जहां इसे पता लगता कि कुछ हो रहा है ये कूद के वहां पहुंचती है कंटेंट लेने के लिए, ये तो इसका फायदा है ना, ताकि ये भी दिखाई दे कि मैं भी हूँ वहां पे, मैं इंसाफ की देवी हूँ, मैं इंसाफ कर रही हूँ, मैं लड़ रही हूँ, तो खुद कूद के आई, खुद खाना छोड़ के आई, यहाँ पे सोनाली को कैसे ब्लेम कर सकते हैं, कैसे वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसने रूबीना का खाना छीना, कितनी गलत बात कर रहे हैं ये हर जने हर बंदा। और कहते हैं हम 24 आवर देखते हैं शो को, रियली 24 यानी ये सिर्फ शो देखते हैं और कोई काम नहीं करते, ना खाना बनाते हैं, ना खाना खाते हैं, ना बाहर जाते हैं, ना ऑफिस का काम करते हैं, सिर्फ टीवी शो देखते रहते हैं। अली ने क्या किया, अली ने इनको जैसा धोया ना तो अच्छा किया, उसकी बोलती बंद कर दी, वो झुमके वाली जो बैठी थी पीछे ऐसे बोल रही थी मेरा सवाल सुन लो, ये मुझे याद नहीं है, अनमेंटली मुझे याद है, मेमोराइज करके आई हूँ, रियली उसको मेमोराइज तो कुछ भी नहीं, वो तो जो पढ़ के उन्होंने स्क्रिप्ट दिया कि ये सवाल पूछने वो सवाल पूछ रही है, तो सबसे अच्छा तो मुझे एजाज का लगा, वो फीफा जू वाली कह रही है आपने रिश्तों को नहीं निभाया, यानी कि सुन उसको पवित्रा को छोड़ दिया, पवित्रा को यूज किया, वहीं पे पवित्रा मौजूद थी, जब सामने आई तो सबका मुंह बंद हो गया, सब हंसने लगे कि पवित्रा वहीं पे है उसी के साथ है, उसने किसी का मुंह नहीं किसी का यूज नहीं किया, तो यहाँ पे एक एक बंदे का मुंह बंद हो गया था उस समय, कोई कुछ नहीं बोला। और ये क्या, एक पता नहीं प्रेस वाला पूछ रहा है
रूबीना ने बता रही है लेडी है कि रूबीना ने धक्का नहीं मारा था और वहां पे कंटिन्यू हो गई लड़ाई। रूबीना ने धक्का नहीं मारा था, सारी दुनिया में मशहूर हो गया रूबीना ने धक्का मारा है, और यहाँ मैम साहब कह रही है रूबीना ने धक्का नहीं मारा था, बाई एक्सीडेंट गिर गया था। रियली क्या प्रेस वाले हैं, कौन से प्लेनेट से आए हैं, समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं आज इतना बोर हो गई और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि कब शो खत्म हो, पर वो लालच भी होता ना कि देखे आगे क्या होता है, तो वही बैठ देखने के लिए मैं अब तक बैठी रही। और सच्ची में मेरा तो थैंक गॉड मुझे वैसे हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, पर ये शो देख के जरूर हो जाएगा, अदरवाइज आई एम नॉर्मल, नथिंग रॉन्ग विद मी। लेकिन ये जो शो देखती हूँ ना, ये मुझे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी जरूर दे देगा। एक एक बंदे का मुंह बंद हो गया था उस समय, कोई कुछ नहीं बोला। और ये क्या, एक पता नहीं प्रेस वाला पूछ रहा है कि रूबीना ने बता रही है लेडी है कि रूबीना ने धक्का नहीं मारा था और वहाँ पे कंटिन्यू हो गई लड़ाई। रूबीना ने धक्का नहीं मारा था, सारी दुनिया में मशहूर हो गया रूबीना ने धक्का मारा है, और यहाँ मैम साहब कह रही है रूबीना ने धक्का नहीं मारा था, बाई एक्सीडेंट गिर गया था। रियली क्या प्रेस वाले हैं, कौन से प्लेनेट से आए हैं, समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं आज इतना बोर हो गई और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि कब शो खत्म हो, पर वो लालच भी होता है ना कि देखे आगे क्या होता है, तो वही बैठ देखने के लिए मैं अब तक बैठी रही। और सच्ची में मेरा तो थैंक गॉड मुझे वैसे हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, पर ये शो देख के जरूर हो जाएगा, अदरवाइज आई एम नॉर्मल, नथिंग रॉन्ग विद मी। लेकिन ये जो शो देखती हूँ ना, ये मुझे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी जरूर दे देगा। ओके जी, अब तो आई थिंक इट्स टाइम टू गो टू बेड, क्वाइट लेट। तो अब मैं कहती हूँ थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, जो मैंने गलत बोल दिया तो प्लीज़ फॉरगिव मी, एंड आई वुड से गुड नाइट, टेक केयर, लव यू बोथ एंड हैव ए नाइस टाइम, बाय। हाँ ये बात सही है, पहली बार मैंने देखा कि कोई मीडिया स्पेशल एक कंटेस्टेंट को कि गलत चीज को जस्टिफाई कर रहा है। सारे सभी चैनल्स ने देखा जो रूबीना दिलायक ने धक्का मारा था, वो बैलेंस खराब हुआ, फिर वो संभली और फिर उसने ऐसे किया। वो बकायदा तौर पे के लोगों ने ये जस्टिफाई करके भी बताया था कि स्लो मोशन में करके भी बताया था कि कैसे रूबीना दिलायक जो है, अगर आदमी ऐसे ऐसे पीछे को गिरता है, बैलेंस खराब होता है, वो ऐसे पकड़ता है, तो गिरने वाला व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता, ये दिखाई दिया। लेकिन ये मीडिया को नहीं दिखाई दिया, क्यों नहीं दिखाई दिया? तो जो दूसरा आप ही ने जवाब दिया है कि भाई ये क्या मीडिया इतना वेला होता है, इतना फ्री होता है कि वो बैठा बिग बॉस के लाइव फीड देख रहा है? वाह वाह क्या बात है। तो यानी कि उन्होंने बिग बॉस के लाइव फीड देखने के लिए बंदे रखे हुए हैं कि और कोई भी काम नहीं देख करना है आपको, हद है। और लाइव फीड में सबसे जरूरी क्या होता है, लाइव फीड जब हम देखते हैं जो मेन चीजें होती है, अगर वॉइस ओवर में हो या कोई ऐसी आवाज वो दबा देते हैं जो उनको मेन एपिसोड में दिखाना होता है, तो ऐसा नहीं कि आपको सारा लाइव फीड में मिल जाता है। तो मैंने तो जो जितना मैंने देखा उसके हिसाब से, बाकी रानी जी आपका ऑडियो बहुत अच्छा होता है, और जो मीडिया की बात हो रही है तो मीडिया को थोड़ी तैयारी करके आना चाहिए था, वो वन तैयारी करके आते तो शायद नहीं लगते, वन साइड लगे क्योंकि तैयारी करके नहीं आए थे, वो इतने एक्साइटेड थे अपनी रूबीना को मिलने के लिए, और रूबीना इतने एक्साइटेड थी कि उसके चक्कर में ये भूल गए कि हम दिखेंगे कैसे बाहर, तो वही वो दिखाई दिए। तो खैर, और एक दो वीडियो वाले भी थे जिन्होंने वो लिया, तो कल्पना जोशी जैसे कहा ना, वो दूसरे गांव के होंगे। तो थैंक यू सो मच रानी जी। और कुछ नवीन जी? नहीं जी। नंबर? नंबर बताता हूँ, नंबर है 9833135523। तो इस नंबर पे ऑडियो वीडियो भेजिए, और घर घर बिग बॉस को ढेर सारा प्यार दीजिए, हंग्री स्पिरिट्स को ढेर सारा प्यार दीजिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.